नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में फिर बढ़ने लगे कोविड के मरीज, बाथरूम में कश खाकर गिरे युवक की मौत, मंगलवार को नहीं लगेगा कोविशील्ड का टीका। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोविड 19 की दूसरी लहर नियंत्रण में है, लेकिन रोगियों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रविवार को जहां शहर में 6 संक्रमित रोगी मिले थे, सोमवार को 19 नए रोगी जुड़ गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रविवार को 9 और सोमवार को 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। आज किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। नागपुर जिले में रोगियों की कुल संख्या 4,77,352 व मृतकों की संख्या 9,034 है। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई तब तक जांच कराने वालों की संख्या बढ़कर 29,000 तक पहुंच गई थी। इस समय मरीजों की संख्या कम है, 6,000 से 8,000 के बीच नमूनों की जांच हो रही है, लेकिन सोमवार को फरवरी के बाद पहली बार सबसे कम जांच की गई। शहर में 4,116 व ग्रामीण क्षेत्र में केवल 291 सहित कुल 4,407 संदिग्धों की कोविड जांच हुई। जिले में पॉजिटिविटी दर 0.47%, शहर में 0.46% व ग्रामीण में 0.68% थी। सोमवार को 42 रोगियों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,68,199 हो गई है। दूसरी खबर, शहर के प्रतापनगर थाने के अंबेडकर इलाके में एक युवक की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई। मृतक कुणाल सुधाकर मारुंडे है। रविवार की रात 7:30 पर कुणाल बाथरूम में कश खाकर गिर गया। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। उसे उपचार के लिए पडोल अस्पताल में भर्ती करने पर जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, सरकार से नागपुर महानगर पालिका को कोविशील्ड टीके का पर्याप्त वितरण नहीं किए जाने की वजह से मंगलवार 13 जुलाई को महानगर पालिका के केंद्रों पर किसी भी आयु वर्ग के लिए टीकाकरण नहीं होगा। यह जानकारी महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी है। 18 से अधिक आयु वर्ग और 45 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा टीका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बेरिस्टर राजाबाव खोबरागड़े सभागृह, सिद्धार्थ नगर, आशी नगर जोन के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल व स्वर्गीय प्रभाकर डटके महानगर पालिका महाल रोग निदान केंद्र में उपलब्ध रहेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।